नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल क्लासेस में। बुध ग्रह कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि को दिखाता है, लेकिन यहां तक वो सीमित नहीं रहता। बुध ग्रह हमारे जो भी हम संचार करते हैं जीवन में, हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हैं दूसरों से, उसमें बुध ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बुध ग्रह की वजह से हम छोड़ते हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है और पहली बार वो सांस लेता है, ये बुध ग्रह से प्रदर्शित होता है। पर एक और जानने लायक बात यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं बुध ग्रह से जो व्यक्ति पूर्णता प्रभावित होते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक डिपेंडेंसी का इशू हमेशा रहता है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है, क्योंकि जैसे बच्चा अपनी माँ से अलग होता है, अब वो स्वतंत्र हुआ है, स्वतंत्र रूप से अपना जीवन उसे जीना है, तो इसी तरह बुध ग्रह के व्यक्तित्व को भी महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वो किसी चीज से जुड़ा रहता है, और जब उस जुड़ाव से उसको अलग किया जाता है तो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है। या कहीं ना कहीं बुध ग्रह का व्यक्ति चाहता है कि कोई ना कोई जीवन में एक आधार उसको मिला रहे, जिस आधार के माध्यम से वो जीवन में आगे चलता रहे। बुध ग्रह आत्मा की अगर यात्रा की बात करें तो एक बच्चे की तरह है। एक बच्चे को आप देखते हैं ऊर्जावान होता है, वो हर चीज जानने का प्रयास करता है। बुध ग्रह भी यही करता है। बुध ग्रह से प्रभावित लोग हर चीज में क्यों, किस लिए, इस तरह के प्रश्न, जैसे एक छोटा सा बच्चा प्रश्न करता है जब पहली बार वो चीजों को समझ रहा होता है, उसके पास बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, वो सब चीज जानना चाहता है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। यहाँ पे बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जो हम बोल रहे हैं, जितना भी कम्युनिकेशन है, मीडिया का क्षेत्र है, पूरा का पूरा मीडिया का क्षेत्र बुध ग्रह से प्रदर्शित होता है। बुध ग्रह जिनका बहुत सुदृढ़ होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, मीडिया के क्षेत्र में अग्रणी होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग लेखन के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे होते हैं। आप देखेंगे जो लोग बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं, उनकी लेखनी बहुत अच्छी होती है। कारण क्या है कि बुध ग्रह बुद्धि का है, और बुद्धि कहीं ना कहीं विचारों को उत्पन्न करती है, और ऐसे जातकों के पास विचारों की कभी भी जीवन में कमी महसूस नहीं होती। उनको हमेशा से विचार हमेशा आते रहते हैं। समस्या का विषय क्या हो जाता है कि कभी कभी उनके अंदर एक क्षण में कई तरह के विचार आते रहते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेने की क्षमता उनकी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे विचार हैं उनके पास, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं उनके पास, और फिर उन ऑप्शंस में से ये चूज करना कि सही ऑप्शन कौन सा है, ये उनके लिए कहीं ना कहीं दुविधापूर्ण हो जाता है। पर बुद्धि का कार्य ही यही है। ऐसे लोग जिनको अपने जीवन में इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, वो गणेश जी की अगर आराधना करेंगे तो उनको कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि में बहुत अच्छा निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होगी। क्योंकि जो गणेश भगवान है, वो बात करते हैं बुद्धि से एक स्तर और ऊपर की। जब बुद्धि सुदृढ़ हो जाती है, जब बुद्धि कहीं ना कहीं पूर्ण सत्य को देखने लायक हो जाती है, तो बुद्धि विवेक के रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर जीवन में आदमी सिर्फ बुद्धि के स्तर पर कार्य नहीं करता, फिर आदमी विवेक के स्तर पर कार्य करता है। यहां जानने लायक चीज है कि विवेक क्या है। विवेक है सही समय पे सही कार्य करना, सही जगह पे सही वक्तव्य कहना, सही जगह पे सही संदेश पहुंचाना, यही विवेक है। विवेक का मतलब ये नहीं होता है, क्योंकि बुध ग्रह कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, कहा जाता है कि जो नारद मुनि है, वो आप कह सकते हैं विवेक से भरे हुए हैं। और बुध ग्रह की अगर आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो बुध ग्रह के सबसे निकट है, बुध ग्रह को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है, तो वो नारद मुनि है। नारद मुनि का, जैसा कि हम अपने पुराणों में जानते हैं, एक चरित्रण है। नारद जी कहीं ना कहीं हर लोक में घूमते हैं, हर लोक की बात दूसरे लोक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। पर
जो मैसेंजर होता है उसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो अगर बुद्धि का सदुपयोग नहीं करेगा तो हो सकता है जो अर्थ की बात बताना चाहिए वो अनर्थ में तब्दील हो सकती है। इसमें ऐसे लोग जो लोग मीडिया से जुड़े हैं या इस तरह के कार्य क्षेत्र में जुड़े हैं, जो मैसेंजर का कार्य क्षेत्र होता है, ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको एक छोटी सी मैं बात बताना चाहता हूँ। ये बात रामायण से है। आप सभी को पता है भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था। भगवान राम के छोटे भ्राता भरत जी, जिनसे उनका अगाध प्रेम था, राम जी ने उनसे कहा था कि भाई भरत, 14 वर्ष के बाद मैं लौटूंगा और तुम चिंता तनिक भी मत करना, मैं जरूर लौटूंगा। जहां प्रेम होता है वहां इंतजार बहुत लंबा हो जाता है, कहीं ना कहीं एक क्षण एक वर्ष के रूप में प्रतीत होता है। यही प्रेम की गुणवत्ता है। भरत जी करीब 14 वर्ष तक प्रभु राम का इंतजार कर रहे हैं। 14 वर्ष समाप्त होने का समय आ रहा है। उनका मन बहुत व्याकुल और व्यथित हो रहा है कि क्या भगवान राम आएंगे, क्या वो सकुशल हैं। यहां भगवान राम ने रावण वध कर चुके हैं और अयोध्या की ओर उन्मुख हो रहे हैं। यहां जानने वाली बात है, जो मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा था, यहां एक बहुत अच्छी घटना घटती है जो सब हम सभी के लिए एक प्रेरणा का सूत्र है। यहां घटना यह घटती है कि प्रभु राम हनुमान जी को दूत बना के सबसे सर्वप्रथम अयोध्या भेजते हैं। वो कहते हैं, हनुमान जी को आदेश देते हैं कि जाओ पुत्र और वहां जाके बताओ मेरे भरत मेरा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, उसको बताना कि मैं आने वाला हूं। अब हनुमान जी भरत जी से मिल रहे हैं। जानने लायक बात यहां पे ये है कि अब उनको बताना है कि भगवान राम आ रहे हैं। तो अब बताने के कई प्रकार हो सकते हैं। हो सकता है वो ये कहते राम आने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि राम शब्द सुनते ही, क्योंकि राम तो सामने प्रकट है नहीं, कोई बताने आया है, मन उद्वेगों में भरा हुआ है, अशांत है, तो आदमी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को पहले ग्रैप करता है, प्राप्त करता है। तो अगर हनुमान जी बोलते राम, तो हो सकता है उसी समय भरत जी अपना देह त्याग देते कि कहीं कुछ राम को हो गया है, तभी उन्होंने एक संदेश वाहक आया है बताने के लिए। लेकिन यहां हनुमान जी अपनी जो एक संचार की बात कहना चाहते हैं, एक दूत की बात कहना चाहते हैं, कितनी सुंदरता से कहते हैं, वो राम शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो कहते हैं कुशल राम। सबसे पहले बोलते हैं कुशल राम, राम से पहले कुशल शब्द लगा दिया। देखिए बात वही बतानी थी, लेकिन भरत जी को जो ही कुशल राम सुना तो एक धैर्य मिला कि मेरे भगवान सही हैं, अच्छे हैं, अब आगे की बात वो सुनने के लिए खुशी से प्रसन्न चित हृदय से जागरूक हुए कि हाँ अब बताइए आगे आप क्या कहना चाहते हैं। जीवन में कहीं ना कहीं जो लोग, इसीलिए जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप किसी तरह की न्यूज को किस तरह प्रेजेंट करते हैं। जो लोग सुन रहे हैं, हो सकता है कई बार ऐसी भी न्यूज होती है जो धार्मिक भावनाओं को भड़का देती है, कई बार उसी न्यूज को, उसी समाचार को अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाए तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावनाएं भड़की हुई हैं वो शांत भी हो सकती हैं। इसलिए जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए गणेश जी के साथ साथ हनुमान जी की आराधना अत्यंत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी ही आपको अपनी बात सही रूप से लोगों तक पहुंचाने में सफल हो सकते हैं। यहां जानने वाली बात एक और है कि जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं या जो लोग कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, उनको अपने विचारों पे धैर्य रखने की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए बुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तित ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप जीवन में किसी प्रकार का सत्संग जरूर करें।